नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सन 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टियां करने लगी हैं तैयारियां। आगामी जिला पंचायत चुनाव सर पर है, साथ ही सन 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टी में सरगर्मी तेजी हो गई है। इसी के चलते आईएमसी के पदाधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि हमारे संगठन का विस्तृत किया जा रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समय टीम का संगठन किया गया। सभी नए सदस्यों को पदाधिकारियों को आईएमसी के प्रमुख पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उन सभी का स्वागत किया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आईएमसी ने जो मुझको जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह ताला उसको बखूबी निभाऊंगा और मेरे साथ अल्लाह के फजल से 100 लोग आईएमसी में शामिल हुए हैं और आगे कोशिश ये रहेगी कि कांधे से कांधा मिलाकर हम लोग, भाई नदीम साहब, डॉक्टर साहब और भाई इफ्तिखार कुरैशी, हम सब मिलकर इत्तेहाद मिल्लत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको क्या पद मिला है? मुझे महानगर अध्यक्ष का प्रेसिडेंट बनाया गया है और बाकी भाई लोग हैं, ज़्यादा परिचित भी नहीं हूँ। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर क्या संविधान रहेगी आपकी, किस रेखा आपका वो रहेगा? इंशाल्लाह ताला आगे हमारी कोशिशें हर तरह से बेहतर ही रहेंगी और बेहतर से बेहतर उसको आगे करने की कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर। ये आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है जनाब अली जनाब डॉक्टर नफीस साहब के नेतृत्व में, यहाँ पर जिला संगठन की घोषणा हुई है, जिला और महानगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुझे पुनः जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब ने सौंपी है और हमारे हाजी इसरार कुरैशी साहब को महानगर अध्यक्ष बनाया है। मेरे साथ ही जिला प्रभारी मोहम्मद सलीम खान साहब को जिले का प्रभार का पद, जिला प्रभारी का पद दिया है और चौधरी राशिद खान साहब को जिले का युवा का जिला अध्यक्ष बनाया है और मुशाहिद रजा जो हैं, मुशाहिद रजा को जिले महानगर का अध्यक्ष बनाया है जनाब डॉक्टर नफीस साहब ने। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आईएमसी के मुखिया अली जनाब डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा साहब को और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस साहब को, अपने सभी वरिष्ठ साथी जो हमारे जनाब अफजाल बेग साहब हैं, इफ्तिखार कुरैशी साहब हैं और शमशाद प्रधान साहब हैं और तमाम लोग ऐसे कि इंशाल्लाह ताला ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये नई टीम के ऊपर जो विश्वास फिर से जगाया है, पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ बरेली में एक नए तरीके से इतिहास इत्तेहाद मिल्लत लिखने जा रही है। तमाम 9 विधानसभाओं के 1 महीने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष घोषित होंगे। महानगर अध्यक्ष की भी यही सोच रहेगी कि जल्दी से जल्दी वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएं। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे ज़िला प्रभारी जो मोहम्मद सलीम साहब हैं, सलीम साहब को जो ज़िले का प्रभार का पद दिया है, हम लोग साथ में मिलकर और तमाम हमारे वरिष्ठ लोग जो हमारे साथी हैं उन लोगों का सहयोग के साथ डॉक्टर नफीस साहब की सरपरस्ती में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इत्तेहाद मिल्लत एक नया आयाम स्थापित करेगी बरेली में।